कि शिवलिंगम को खंडित होने से जनभावनाएं आहत होंगी, इसलिए ये संभव नहीं है। हिंदू पक्ष कहीं हारा नहीं, वास्तव में हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की तमाम जनता को बधाई देना चाहूँगा कि वास्तव में जो ऑर्डर आया है ये सनातन की जीत हुई है। बहुत से चैनल चला रहे हैं कि हिंदू पक्ष हारा है, पर हिंदू पक्ष कहीं हारा नहीं, वास्तव में हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। हारे हैं कुछ तथाकथित व्यक्ति। कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन जो इस केस में राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा है, इसमें पेनल्टी नंबर 2 से 5 तक की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन के द्वारा लगाई गई थी। किस मंशा से लगाई गई थी वो बात का विषय है। पहले मैं बता दूं, उन्होंने एप्लीकेशन में बाकायदा स्पष्ट तौर पे लिखा था, स्पष्ट लिखा हुआ है एप्लीकेशन में कि शिवलिंगम की कार्बन डेटिंग, जी स्पष्ट शब्दों में। वो बात अलग है जब हमने इसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, इस विषय में मेरे कई विद्वान संत महात्माओं से, शास्त्रों को जानने वाले विद्वानों से चर्चा हुई और उन्होंने भी कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाना शास्त्र सम्मत नहीं है। शिवलिंग की आयु का निर्धारण करवाना, उसकी प्रकृति के बारे में जानना, ये किसी भी तरह से शास्त्र सम्मत नहीं है। ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। भगवान अनादि काल से विद्यमान हैं और उनकी आयु का निर्धारण करना मूर्खतापूर्ण कार्य है, और कानूनी पहलू के तहत भी ये उचित नहीं था, क्योंकि जब हमने खुद ही माना हुआ है कि 93 से 93 तक हम निरंतर वहाँ पूजा करते रहे हैं, तो हम जब वहाँ निरंतर 93 से 93 तक पूजा करते रहे, 93 में मुलायम की सरकार आती है, बैरिकेडिंग करके पूजा रोक दबा दी जाती है, तो हम खुद कैसे उसके आयु के निर्धारण, यानी हम खुद उस पर डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण कार्य जो मेरी दृष्टि में और कुछ विद्वानों की दृष्टि में, जैसा मुझे उन लोगों ने अवगत करवाया, तो मैंने इसके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी माननीय न्यायालय में कि इससे जन भावनाएँ आहत होंगी, ये शास्त्र सम्मत भी नहीं और विधि सम्मत भी नहीं है, मूल वाद से बिल्कुल विपरीत जा रहा है। माननीय न्यायालय ने हमारी उस एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट जो हुई, सारी तथ्यों को समझा और जो कल ऑर्डर आया, न्यायालय ने बहुत सोचा समझा, एक सटीक निर्णय दिया। उसमें 2 बिंदुओं के ऊपर न्यायालय ने निर्णय दिया। एक तो ये कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिए को प्रोटेक्टेड किया हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है, और उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़, बाकायदा ऑर्डर शीट अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है उन्होंने कि वो कहीं ना कहीं शिवलिंग के खंडित होने की संभावना, ये बात न्यायालय ने भी मानी है, हम भी इसी बात को कह रहे थे। तो न्यायालय ने कहा इस कारण से एक तो नहीं हो सकती, और दूसरा चूंकि इससे जन भावनाएं आहत होंगी, लोगों की सनातन समाज की भावना है वह शिवलिंगम है, तो जब हमारी उस भावना को न्यायालय मान रहा है और उसको देखते हुए उसने इस एप्लीकेशन को खारिज किया है, तो एक कहीं से कहीं हार नहीं है हिंदू पक्ष की, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। कार्बन डेटिंग, जैसा हमने भी काफ़ी लोगों से चर्चा की, कार्बन डेटिंग के लिए उस जिस चीज़ की भी कार्बन डेटिंग होती है उसमें कुछ पार्ट जरूर लिया जाता है, चाहे वो तोड़ के लिया जाए, घिस के लिया जाए या कैसे भी लिया जाए, तो स्वाभाविक है उससे वह खंडित होता है। और कुछ लोगों ने ऐसा हल्ला भी मचा रखा है कि वह शिवलिंग तो पहले से ही खंडित कर दिया है मुसलमानों के द्वारा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शिवलिंगम कहीं से कहीं भी खंडित नहीं है। उसके ऊपर उन लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा पत्थर, यानी एक्स्ट्रा कुछ लगाया गया है, चिपकाया। तो हम जैसे किसी भी मंदिर में आप देखते हैं कि तमाम मूर्तियाँ उसके ऊपर तमाम श्रृंगार करते हैं, सपोज कीजिए कुछ लगा दिया गया तो वो खंडित नहीं मानी जाती, तो वह शिवलिंगम कहीं से कहीं भी खंडित नहीं है। इस प्रक्रिया के तहत वो खंडित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है सनातन को चोट पहुंचाने के लिए। तथा कथित कुछ लोग जो कि हिंदू हैं ही नहीं, और इन लोगों को चलाने वाला वो एक अपने आप को राष्ट्रवादी बहुत कहता है कि मैं हिंदुत्व का सजग पैर हूँ, जो कि ISI का एजेंट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सही मायने में पर्दे के पीछे वही सब आके कर रहा, और उसका एक ही उद्देश्य है किसी प्रकार कोर्ट की प्रोसीडिंग रुके। अगर कार्बन डेटिंग का ऑर्डर होता निश्चित है इसके खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जाया जाता, इस पे स्टे होता, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती, और उसका उद्देश्य केवल, जैसा कि अभी 4 दिन पहले बनारस में कार्यक्रम किया उन लोगों ने और कहा कि हम जन आंदोलन करेंगे, तो जन आंदोलन मतलब हिंदुओं को भड़का कर देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने का उसका षड्यंत्र ISI का प्लांट किया हुआ व्यक्ति, उसके द्वारा ये सब किया जा रहा है।
कुल मिला के जो एप्लीकेशन हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन के द्वारा लगाई गई थी उसमें स्पष्ट तौर पे कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, उस शिवलिंग की, परिसर की नहीं जी, शिवलिंग की मांग की गई थी। अब वो अपनी बात से मुकरे, बात अलग है, मीडिया में मुकरे, कोर्ट में कहीं नहीं मुकरे। मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं किया था जी। कोर्ट में उसी एप्लीकेशन के ऊपर बाकायदा आर्गूमेंट हुई और कोर्ट ने उसी एप्लीकेशन के, भाई जो आपने एप्लीकेशन में मांगा है कोर्ट उससे ज़्यादा तो बाहर कुछ जाएगी नहीं जी, कोर्ट ने उसी एप्लीकेशन के आधार पर और हमारी मांग को देखते हुए सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने इन दो बिंदुओं को, कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित रखा गया है, शिवलिंगम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं माना है और उसकी सुरक्षा की जाए, उसको कोई क्षति ना पहुंचे जी। और कार्बन डेटिंग से चूंकि उस शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है, इस ऑर्डर में भी माननीय जिला न्यायालय ने भी माना है कि उस परिसर में अगर किसी प्रकार की वैज्ञानिक जाँच करवाई जाती है या कार्बन डेटिंग करवाई, मेन चीज है कार्बन डेटिंग, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्बन डेटिंग, वो भी शिवलिंगम की, उस शिवलिंगम की कार्बन डेटिंग की मांग की, तो कोर्ट ने भी माना है कि इससे उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है और इससे जन भावनाएं भी आहत होंगी कि वो आस्था का विषय है। माननीय न्यायालय ने हमारी उसी डिमांड को मानते हुए बाकायदा नीचे की लाइन अगर पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि शिवलिंगम को खंडित होने से जन भावनाएं आहत होंगी, इसलिए ये संभव नहीं है जी, ये नहीं किया जा सकता जी। और न्यायालय ने उसी के आधार पर फैसला दिया है तो हम तो आभार व्यक्त करते हैं न्यायालय का। और ये पूरे देश में जो एक हल्ला मचा जा रहा है हिंदू पक्ष की बड़ी हार, वास्तव में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, हार हुई है उन दो अधिवक्ताओं की, या यूं कहें उस आईएसआई एजेंट की जो ये सारी रूपरेखा रच रहा है।